हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल के 6th जनरेशन लॉन्ग रेंज रडार के बारे में। अब आपको पता ही है कि डैश व्हीकल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारी कंट्री में भी, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबली भी जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। लेवल 3 लेवल 4 की व्हीकल्स पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ने 6th जनरेशन का जो है ये रडार लॉन्च किया है। अब इसकी खासियत क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। खासियत इसके अंदर ये है कि आपको 360 कवर मिलने वाला है इसके अंदर। रेंज की बात करी जाए तो 200 से लेकर 250 mm रिस्पेक्टिवली, मतलब अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन रहने वाला है। डिज़ाइन जो है इसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक स्मॉल कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर है, जिससे बेसिकली आपकी कॉस्ट बचेगी। साथ ही साथ इसके अंदर 2023 तक के जितने भी एनकैप रूल्स आने वाले हैं उन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, ताकि आपकी ऑटोमेटेड लेन चेंजिंग सिस्टम जो है वो हम जो इसके अंदर कवर कर सकें और कॉन्टिनेंटल की तरफ से। दूसरा, अब इसकी ऑपरेटिंग रेंज की बात करूं तो यहाँ पे जो है 77 हर्ट्ज़ पे वर्क करेगा, लेकिन इसको जो है बनाया जाएगा 71 से लेके 88 हर्ट्ज़ तक पे काम करने के लिए। तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे जो है आपको फ़िल्टर देखने को मिलेगा कि आप आसपास के जितने भी रडार्स होंगे अगर उसके सिग्नल इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे तो वहाँ पे जो है उन सिग्नल्स को ये अच्छी तरीके से फ़िल्टर कर पाएगा, ताकि जो सिग्नल आपके कंप्यूटर तक पहुँच रहे हैं उसके थ्रू जो डिसीजन बनने हैं या लेने हैं आपके कंप्यूटर को वो ईज़िली ले सके। अब इसको जो है कॉन्टिनेंटल पूरी टेक्निकली स्पेसिफिकेशंस करने के बाद प्रोडक्शन में जो है वो 2023 में ही डालेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके ऊपर जो 6th जनरेशन रडार्स हैं उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है कॉन्टिनेंटल की, ताकि जितने भी यूरो एनकैप्स हैं, एडास व्हीकल्स हैं, उनको जो है वो हेल्पफुली जो है इन सब चीज़ों को दे सकें और इन सब को देने के बाद जो है वो सारी एनकैप रूल्स को जो है फुलफ़िल कर पाएँ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो और छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी इस कॉन्टिनेंटल रडार्स के बारे में। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसे ही स्मॉल अन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सके ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है। इस वीडियो के तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।